हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन राय। वेलकम टू माय टॉप 20 कोचिंग सेंटर। देखिए, आंशिक बिंदुओं द्वारा समाकलन के दो टाइप हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब उसका टाइप थर्ड इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए, टाइप थर्ड में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि हर के गुणनखंड रैखिक बहुपद हो तथा द्विघातीय बहुपद भी हो, इसका मतलब एक्स की घात एक तो हो ही और एक के साथ साथ द्विघातीय बहुपद मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब जिसपे स्क्वायर लगा हो सब द्विघातीय बहुपद होंगे। अब देखिए, इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। एक सवाल है, आई बराबर समाकलन 1/(x+1) और फिर x²+1 dx। देखिए, सबसे पहले वही पुरानी प्रक्रिया, लेट माना 1/(x+1) x²+1 ठीक इज इक्वल टू। देखिए, पहले तो a के बटे में हम रैखिक वाला ले लेंगे x+1 ठीक, प्लस अब जब द्विघातीय वाला लेंगे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, bx+c लेंगे। जैसे पिछले के सवाल में हम a बटे b बटे c बटे ऐसे लेते थे, लेकिन द्विघातीय मतलब जितनी घात नीचे हो उसके एक कम घात का बहुपद ले लेंगे, bx+c/(x²+1)। मान लीजिए यहाँ पे x क्यूब होता तो उससे एक कम घात यानी x²bx²+cx+d वाला बहुपद लेते, लेकिन यहाँ x² तो एक कम घात का बहुपद ले लिया है। अब देखिए क्या कीजिए, 1/(x+1) और x²+1 ऐसे लिख दीजिए ठीक, इक्वल टू लघुत्तम ले लेंगे x+1 का और x²+1 का ठीक। अब देखिए, x+1 से x+1 गया यानी a का गुणा x²+1 से ठीक। अब देखिए, प्लस bx+c ऐसे लिख देंगे, उसके बाद x²+1 से ये गया और इसका गुणा x+1 से। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, इससे ये काट देंगे हर बार की तरह। अब देखिए, 1 = 2, अब a का गुणा इस बहुपद से और b का गुणा इससे, देखिए ax² + a हो जाएगा, ax² + a हो जाएगा, यहाँ bx² ठीक। अब देखिए, प्लस bx दोनों ब्रैकेट का गुणा करा देंगे, प्लस bx ठीक। अब देखिए, फिर c का प्लस cx, अब c का इससे प्लस c। अब देखिए क्या करेंगे दोस्त, हर बार की तरह क्या करेंगे, ऊपर वाली घात से यानी सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को कॉमन लेके और जिसके जितने स्क्वायर के गुणांक है उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। देखिए कैसे, 1/(a+b), a+b ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे x² लिख देंगे। देखिए, अगर x² का इसमें गुणा कराएंगे तो ax² और प्लस bx² फिर वही आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, अब इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया। देखिए, अब क्या है कि अब x वाला पद लेंगे, पहले स्क्वायर वाला लिए, अब उससे एक कम था x वाला पद, देखिए ये हमेशा प्लस में लेंगे ठीक, x वाला पद। अब क्या है कि x वाला पद इसमें ढूंढिए, ये bx है और cx है, यानी x वाला पद b+c हो गया। अब देखिए, कांस्टेंट वाला पद ढूंढेंगे, कांस्टेंट हमारा क्या है, a है और c है, a+c हो गया। अब देखिए दोस्त, तुलना करने पर पहले क्या करेंगे हम, x² का गुणा a+b ठीक। अब देखिए, x² का गुणांक अगर a+b है तो इधर x² का पद नहीं है, तो इसका मतलब a+b बराबर 0, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, b+c x का गुणांक, मतलब इधर x का गुणांक b+c है तो इधर x का कोई पद नहीं है, तो इक्वल टू 0, समीकरण 2। उसके बाद देखिए, a+c कांस्टेंट, a+c बराबर, देखिए इधर a+c का के गुणे में कोई भी चर नहीं है,
और इसके भी गुणे में कोई चर नहीं है, तुलना करेंगे तो इसके बराबर एक आएगा। यानी गुणांकों की तुलना करना है, जो चर है उसके गुणांक जो है उसकी तुलना, बराबर एक, समीकरण नंबर तीन। अब ये हमारा तीनों समीकरण आ गया फ्रेंड्स। उन तीनों समीकरण को हल करके हमने ए बी और सी का मान निकाल लिया है। इसके पहले के लेक्चर में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक स्टेप द्वारा उसको समीकरण को हल करना बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। देखिए, a का मान एक बटा दो, b का मान माइनस एक बटा दो, c का मान प्लस एक बटा दो। अब इन्हीं तीन मान को उठा के हम इसमें रख देंगे। देखिए, इज इक्वल टू a का मान कितना है, एक बटा दो, जो कि कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। समाकलन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक। अब देखिए, प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी का मान देखिए कितना है, माइनस एक बटा दो। तो यहाँ पे समाकलन माइनस एक बटा दो, यानी बी का मान माइनस एक बटा दो और एक्स, ठीक, प्लस सी, सी का मान कितना है, एक बटा दो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वन अपॉन टू का, फिर वन अपॉन एक्स प्लस वन का डी एक्स लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक। इसका कैसे करेंगे, इसका करने के सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि ऊपर जब प्लस में हो और तो क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन को दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए, पहले माइनस एक बटा दो एक्स के साथ ये पूरा लिख लेंगे, प्लस एक बटा दो एक्स के साथ लिख लेंगे। अब देखिए, ये बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस एक बटा दो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, समाकलन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक। अब देखिए, अभी एक बटा दो बचा, इसकी सेवा समाप्त। अब एक बटा दो कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड, मेन क्या है, इसका समाकलन, इसका समाकलन मैंने पिछले के लेक्चर में बहुत अच्छे से करना बताया है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब टी मान लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। पिछले के लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया, लेकिन ऐसे बता रहे हैं, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू, ठीक। अब देखिए, एक्स डी एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, यानी वन अपॉन टी लॉग टी हमारा बन जाएगा। देखिए, आई बराबर एक बटा दो लॉग एक्स प्लस वन, ठीक। अब देखिए, माइनस एक बटा दो ऐसे रहेगा, और ये डी टी बाई टू वाला जो दो होगा वो यहां इससे इंटू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अब वन अपॉन टी के रूप में हमारा सवाल आ गया, हम देखिए कर नहीं रहे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने यहाँ पे टी माना, तो वन अपॉन टी और एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो वन अपॉन टी डी टी का हो जाएगा लॉग टी। तो लॉग टी का मान, टी का मान मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। पिछले के लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए, प्लस एक बटा दो, ठीक दोस्तों, ये देखिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन, इस फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। अब देखिए, इज इक्वल टू एक बटा दो लॉग एक्स प्लस वन, ठीक, माइनस एक बटा चार, एक बटा चार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक बटा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके पहले टाइप थर्ड पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ में कौन किस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे, यदि फलन के अंश तथा हर में चर राशि एक्स के समघात हो। कहने का मतलब है, इसके अंश तथा हर में जो चर राशि है यानी एक्स, वो समघात में हो, यानी ऊपर स्क्वायर हो तो नीचे भी स्क्वायर हो, ऊपर क्यूब हो तो नीचे भी क्यूब हो। अब देखिए, समघात का मतलब, अब इसको एक स्टेप हम और लिख रहे हैं,
समाकलन अगर x के पावर 4 लिखा है तो इसको हम x स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये दो को दो से गुणा करेंगे तो फिर x के पावर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर के पावर स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड, इसको हमको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। देखिए यहां पर हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, केवल आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान रहा है, और उसके बाद जब आंशिक भिन्न में टूट जाएगा तो टी का मान वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को टी मान लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर को टी मानने के बाद अब ये क्वेश्चन हम उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर के होल पावर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हम माने हैं इसको यहाँ पे फिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर को क्या माना गया टी, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा यानी टी का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या माने टी प्लस 1। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए अगर हम इसमें एक हटा दें और एक जोड़ दें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से एक को काट देंगे तो फिर हमारा सवाल उसी रूप में आ जाएगा। एक हटा दिए और एक जोड़ दिए, अब देखिए अगर एक हटा दिए एक जोड़ दिए तो इसको हम टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे खोल लेंगे, यानी टी प्लस 1 और टी माइनस 1। ठीक, इसके बटे में एक बार टी प्लस 1 ले लेंगे, उसके बाद देखिए अब ये प्लस 1 के बटे में टी प्लस 1 ले लेंगे, ये दोनों एक में इसके बटे में टी प्लस 1 ले लिए, अब 1 के बटे में टी प्लस 1 ले लेंगे। अब देखिए प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू एक टी प्लस 1 से ये टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा सवाल, टी माइनस 1 और फिर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। देखिए हम आंशिक भिन्न में भी तो यही करते थे, सबको प्लस या माइनस में अलग अलग कर लेते थे, अभी ये इनटू में था, स्क्वायर में था, इसको मैंने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, यही जो टी मैंने माना था यही मान उठा के यहाँ पे फिर से फिल कर देंगे। देखिए अब समाकलन लगाते चलेंगे, समाकलन टी किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक, फिर माइनस 1, तो माइनस समाकलन 1 डीएक्स। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस समाकलन 1 अपॉन टी प्लस 1, टी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए इज इक्वल टू आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एक्स के पावर एन वाले सूत्र से, यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन हमारा होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 डीएक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, जो कि हम पिछले के लेक्चर्स में अच्छे से बताए, इसके पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी वक्त 1 डीएक्स का मान 1 होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए टेन अभी हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आज खत्म हो गया, अगले लेक्चर्स में कुछ विशिष्ट समाकलन पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक हैं, आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैंने बहुत डीपली से एक एक समीकरण हल करना बताया है। आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सवाल लगाने में, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सवाल को क्लिक करके भेजिए और उसका सॉल्यूशन लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।